सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी होना जरूरी नहीं है। 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी से आय तो बढ़ सकती है, लेकिन जनहित सबसे पहले है। साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि इस फैसले का 2G के आदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई प्राकृतिक संपदा किसी निजी कंपनी को उसके मुनाफे के लिए दी जा रही है, उसके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए दी जा रही है, तब फिर सिर्फ नीलामी से ही दी जा सकती है। कोई भी और तरीका उसके लिए अगर लगाया जाएगा तो वो संविधान के खिलाफ माना जाएगा। अदालत की नजर में सिर्फ नीलामी ही एक अकेला रास्ता नहीं है। नीतियां बनाना सरकार का काम है, लेकिन नीति में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो अदालत सरकार की नीति को परख भी सकती है। अदालत ने साफ कर दिया है कि 2G मामले में पहले आओ पहले पाओ की नीति गलत थी, इसलिए 122 लाइसेंस रद्द किए गए थे। और इसीलिए अदालत ने अपने फैसले में खास तौर पर कहा है कि इस फैसले का 2G मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जाहिर है सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा फैसला सरकार के लिए थोड़ी सी राहत की खबर जरूर है। रिपोर्ट न्यूज़ पॉइंट।